हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं मिस्टर मैन विद बाइक आज एक कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ आरोन 5 V4 और MT15 वर्जन 2.0 का। आप देख सकते हो पीछे खड़ी है ये दोनों, और ये दोनों बाइक मुझे प्रोवाइड कराई है रायमोन कंपनी यामा ने। तो अगर आपको उसका कोई प्रोडक्ट देखना है यामा का तो आप वहाँ पर जा सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा। और ये दोनों बाइक मुझे कुंतल दा ने प्रोवाइड कराई है, उनको स्पेशल थैंक्स बोलता हूँ मैं। और चलो इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो शुरू करते हैं, ठीक है। Days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. Yeah. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just trust and meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. सबसे पहले इन दोनों की प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ मैं। ये आरोन 5 वर्जन 4 है, इसका जो ऑनरोड प्राइस होगा यहाँ पे बालूघाट में उसका 2,30,000 रुपीज़। और एमटी का इंडिफिटी वर्जन 2.0 का इसका ये कलर स्कीम है, इसका प्राइस होगा आपका 2,06,000 रुपीज़, ठीक है। इसका दो प्राइसिंग हो गया। अब चलो इसका जो पूरा डिटेल कंपेरिजन मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसके फेस पर आ जाते हैं दोनों के, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको DRLs मिलेंगे, यहाँ पे हैलोजन प्रोजेक्टर, यहाँ पे DRLs, यहाँ पे आरोन 5 V4 का जो स्टिकरिंग है वो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको वही DRLs मिलेंगे, यहाँ पे आपको वही सेम प्रोजेक्टर मिलेगा जो आरोन 5 V4 में, आरोन 5 M में आता है या फिर FZX में आता है, ठीक है, वही प्रोजेक्टर है। MT15 वर्जन 2.0 का अगर हम बात करें जो इसका जो फेस है वो काफ़ी एक वॉरियर जैसा लगता है या फिर ट्रांसफॉर्मर्स का जो बम्बलबी था उसके जैसा लगता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे इसका जो लुक आरोन 5 वर्जन 4 का, ये डार्कनाइट एडिशन है, आप देख सकते हो ये डार्कनाइट एडिशन है। तो इसका जो फेस है ये जो आरोन 5 M हो गया या फिर आरोन 5 V4 या फिर एनिवर्सरी एडिशन उसके जैसा है इसका जो फेस है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है फ्रंट मड गार्ड देख सकते हो फुल, यहाँ पे आपको मैट ब्लैक में आपको प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे ABS का स्टिकरिंग है, यहाँ पे 37mm का USD फोक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क है ब्राइबर की तरफ से, यहाँ पे आपको डुअल चेन ABS मिलता है। फ्रंट टायर की बात करें आप देख सकते हो यहाँ पे 100x80x17 इंच का टायर है, यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको स्टिकरिंग आरोन 5 वर्जन 4 VVA का स्टिकरिंग देख सकते हो, यहाँ पे यामा का इंजन देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं MT में, यहाँ पे आपको सेम टायर मिलेगा वही जो आपको आरोन 5 वर्जन 4 में मिलता है, 100x80x17 इंच का टायर फ्रंट टायर, यहाँ पे आपको ABS का स्टिकरिंग, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। यहाँ पे आप ABS रिंग देख सकते हो, यहाँ पे आपको बायबैक की तरफ से ब्रेक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, डुअल चैनल आपको ABS नहीं मिलता है। इसमें भी सेम आपको 37mm का जो USD फोक्स है वो आपको मिलता है, टर्न सिग्नल्स दोनों में आपको हैलोजन मिलता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ है, इसमें आपको इनबिल्ट हैजार्ड मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे हैजार्ड मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हो हैजार्ड यहाँ पे हैजार्ड जल रहा है, यहाँ पे हैजार्ड का स्विच यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा हैजार्ड का स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आते हैं MT में तो आपको यहाँ पे हैजार्ड का स्विच नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल जो टर्न सिग्नल है वही उसका स्विच मिलेगा, लेफ्ट का ये देखो, यहाँ पे आपको हैजार्ड का स्विच नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके दोनों के मीटर कंसोल पर, चलो MT का दिखाता हूँ मीटर कंसोल। चालू किया, यहाँ पे आपको नेगेटिव डिस्प्ले दिखने को मिलता है, यहाँ पे आपका RPM, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे फ्यूल गेज, यहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे आपको कितना किलोमीटर है वो, न्यूट्रल, इंजन मैल फंक्शन, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पे टर्न सिग्नल्स दिखा देता हूँ आपको चला के, टर्न सिग्नल्स हो गया, ये हाई बीम, यहाँ पे हाई बीम लो बीम, ये ABS का सिग्नल, ठीक है, हो गया। MT15 का जो मीटर कंसोल था वो यहाँ पे RPM लिमिट, RPM का जो लाइट है चला कर दिखाते हैं, और ये पार पर ये देखो RPM का लिमिट जो लाइट है वो, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगा, ये देख सकते हो यहाँ पे, इसका आपको कॉल मैसेज या फिर मिस कॉल जो आता है वो आपको दिखाई देगा थ्रू यामा वाइटी कनेक्ट का जो ऐप है यहाँ पे, ये देखो ये इससे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया MT15 का मीटर कंसोल। अब आते हैं आरोन 5 वर्जन 4 के मीटर कंसोल पर, इसके मीटर कंसोल पे देख सकते हो आर 155 का जो है यहाँ पे न्यूट्रल, गियर पोजिशन इंडिकेटर, RPM, टाइम, यहाँ पे आपको किलोमीटर,
ओडो फ्यूल गेज स्पीड, ठीक है। यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर का था वो, यहाँ पे आपको हाई बीम का जो लाइट है वो, यहाँ पे मैसेज कॉल फनाइट इंजन मेल फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें। यहाँ पे आपका हो गया आरपीएम लाइट, जब शिफ्ट करोगे तब लाइट शिफ्टिंग के लिए, चला कर दिखाता हूँ एक और बार मैं। ये आरपीएम शिफ्ट लाइट, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे एबीएस। यहाँ पे आपको अगर आपको यहाँ पे टॉगल करना है अपने मीटर को, अगर आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कैसे टॉगल करना है तो यहाँ पे आपको स्विच मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो यहाँ से इन्फो और यहाँ से ओडो, ठीक है। यहाँ से इन्फो दबाओगे तो आपका चेंज हो गया एवरेज, फिर ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कैसे करते हैं, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा इन्फो, इसको दबा के रखो ऐसे, और ये टी सी एस ऑफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर टी सी एस का लाइट जाएगा, जब हो जाएगा। अगर आपको फिर से ऑन करना है तो बस की को ऑफ करो, फिर की को ऑन करो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो गया, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया, आपको ब्रेक लीवर्स यहाँ पे सेम, आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, दोनों में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यामाहा का लोगो। अब बात करते हैं दोनों बाइक से फ्यूल टैंक के बारे में, ठीक है। अगर आर ऑफ वर्जन 4 की बात करें तो इसमें आपको 11 लीटर फ्यूल टैंक मिलेगा, जहाँ पे आपको एम टी में 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। और माइलेज की बात करें तो आर ऑफ वर्जन 4 जो है, ये डार्क नाइट वाला रिसेंट कोई भी ले लो, तो आपको सिटी में आपको आराम से 42 के एमपीए के आसपास का माइलेज दे देगा। और अगर हाईवे पे लेके जाते हैं क्रूज करने के लिए, फिर हाईवे पे जाते हैं, तो आपको ये कम से कम 45 के आसपास का आपको माइलेज दे देगा। और यहाँ पे अगर हम एम टी की फ्यूल टैंक की बात करें तो ये आपको इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और अगर सिटी में बात करें तो आपको 42 के आसपास का सिटी में आपको माइलेज दे देगा, कैंपियर माइलेज 42 के आसपास। और अगर हाईवे पे लेके जाते हैं तो आपको ये 50 के आसपास का माइलेज दे देगा, ठीक है। यहाँ पे अभी आते हैं इसके जो इस साइड पर आते हैं, साइड से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, 1 डाउन 4 अप। आपको यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो फुट पैक्स वही है जो होते हैं, ये रियर फुट पैक, ये रेडर का फुट पैक। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स, यहाँ पे यामाहा का लोगो, यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो रिम है वो आप आता है टेल सेक्शन पर, दोनों के टेल सेक्शन पर। यहाँ पे जो टेल लाइट है वो आपको दोनों में हैलोजन मिलेगा, सॉरी एलईडी मिलेगा। टर्न सिग्नल आपको हैलोजन मिलेंगे, जो पिछले वाले में थे टर्न सिग्नल पर हैलोजन मिलेंगे। यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट जो है वो भी आपको हैलोजन में मिलेगा। यहाँ पे रियर नंबर रिफ्लेक्टर, यहाँ पे साइड रिफ्लेक्टर्स, यहाँ पे टायर हैगर्ड जो है वो R15 V4 से ज़्यादा बड़ा है, और बड़ा होने का एक पॉजिटिव साइन, पॉजिटिविटी भी है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको यामाहा का लोगो, यहाँ पे आपको जो ग्रैब रेल है वो, यहाँ पे रियर फुट पैक, एडा का फुट पैक, रियर ब्रेक्स, ठीक है। आपको यहाँ पर रियर में मोनोशॉक्स मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ। मोनोशॉक्स जो येलो कॉइल के साथ आता है, और इसके टेल साइड पर आता है। अभी इसके टेल में भी आपको जो R1M है या फिर R1 है या फिर R7 या फिर R6 है, उसका जो टेल लैंप है वो वही डिज़ाइन में इसको आपको रेडी मिलेगा। यहाँ पे जो टर्न सिग्नल्स है वो आपको हैलोजन में मिलेंगे, देख सकते हो। इसका जो नंबर प्लेट लाइट है वो भी आपको हैलोजन में मिलेगा। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर है वो यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने जगह, यहाँ पे रिफ्लेक्टर, टायर हगड़ हो गया। अब आते हैं एक और चीज़ पे जो है इसका साइड पे, ठीक है। इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, 1 डाउन 4 अप 5 अप, एमटी में 1 डाउन 5 अप का गियर लीवर गियर्स मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे एमटी में जो है आपको एलुमिनियम स्विंगा मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पेंट ब्लैक है, इसलिए आपको समझ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये एलुमिनियम स्विंगा में जो पिछले वाला एम टी था, वर्जन 1 बोल सकते हो, उसमें आपको जो था बॉक्स सेक्शन का सिंगा मिलता था, इसमें भी आपको एलुमिनियम सिंगा में मिलेगा। यहाँ पे भी आपको मोनोशॉक मिलेगा, देख सकते हो, लेकिन इसमें सिर्फ ब्लैक कॉइल से, ठीक है, इसमें ब्लैक कॉइल से। सीटिंग की बात करें, अगर सीटिंग की बात करें, रुक जाओ, देख सकते हो अभी आ जाते हैं इसके जो सीटिंग पोस्टर है उसका, ठीक है। यहाँ पे आपको आप देख सकते हो इसका जो सीटिंग है ये पूरा एग्रेसिव पोर्शन है। अगर आपको कोई ट्रैक करना है या फिर आपको भगाना है बाइक को, तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पे आपको जो कंफर्टेबल है वो आपको यहाँ पे सीट में कुशनिंग तो है, लेकिन ये एग्रेसिव पोर्शन की वजह से आपको उतना कम्फर्ट नहीं दे पाएगी। जो राइडर का सीट, प्लेयर का सीट है वो भी थोड़ा छोटा है, लेकिन आपको अगर छोटे राइड्स के लिए तो आपको इसमें जो है आपको कम्फर्ट मिलेगा। और यहाँ पे आते हैं एमटी के सीट पर। ये आपको जो नेकेड है, जो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, आप देख सकते हो पूरी तरीके से,
यहाँ पे दो भैया लोग शायद आ रहे हैं मेरे पहचान के, नहीं शायद नहीं है, छोड़ो उनको छोड़ते थे अभी। तो यहाँ पे जो आपका जो सीटिंग पोस्चर है यहाँ आपको नेकेड में, तो आपको एक कंफर्ट तो देगा, लेकिन जो राइडर का सीट है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन पिजन का सीट थोड़ा छोटा है। तो पिजन का सीट है वो छोटा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको सिटी राइड्स करना है तो MT15 एक बेस्ट चॉइस आपके लिए, लेकिन अगर आपको बाइक को राइड करना है, भागना है, ट्रैक करना है, तो R15 version 4 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पे जो रियर का सीट है वो काफ़ी छोटा है पिलियन के लिए, दोनों बाइक से पिलियन को कंफर्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों बाइक्स में पावर काफ़ी ज़्यादा है। अगर इंजन में आते हैं सीट तो सेम हो गया, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबली जाना है तो आपको MT लेना चाहिए। अगर आपको भगाना है फिर ट्रैक करना है तो आपके लिए R15 version 4 बेस्ट है। अभी आते हैं दोनों के इंजन के ऊपर, ठीक है। दोनों में आपको 155 cc लिक्विड कूल इंजन, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलेगा वीवे टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ पे आप पावर फिगर्स की बात करते हैं, पावर फिगर्स में R15 version 4 प्रोड्यूस करती है 18.13 bhp और 14.2 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। वहीं पे MT15 प्रोड्यूस करती है 18.14 bhp और 14.1 Nm का टॉर्क सेम इंजन पे। आपको दोनों में वीवे टेक्नोलॉजी मिलेगा। अगर जब आप नॉर्मली जाओगे तो आपको उतना फील नहीं होगा, लेकिन आप जब जब वीवे किक इन करता है बाइक में, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ मैं चला रहा हूँ दोनों साइड में, दोनों बाइक के ऊपर, चाहे वो R15 version 4 हो गया या फिर MT15 version 2.0 हो गया। इन दोनों में आपको जो ये वाला कलर स्कीम है पूरा मैट ब्लैक है, आप देख सकते हो। मैंने इसका जो R15 version 4 का जो एनिवर्सरी एडिशन है, वर्ल्ड GP60 एनिवर्सरी एडिशन, उसका रिव्यू कर रखा है, उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, वो चेकआउट कर लेना। और इसका जो भी डिटेल रिव्यू कर रखा है और एक पॉजिटिव पॉइंट्स का वीडियो भी अपलोड कर रखा है, और आज जाके मैं आज ही जब तक आप ये वीडियो देखोगे तो उससे पहले मैंने आपको आपके लिए इसका MT15 का नेगेटिव पॉइंट्स का वीडियो भी अपलोड कर दिया होगा मैंने अपने चैनल पर, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। और अगर आपको R15 version 4 का कोई पॉजिटिव और नेगेटिव वाला वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको अगर चाहिए तो मैं ज़रूर बना दूंगा। अभी चलते हैं, इसका जो लाइट्स है वो आपको दिखा देता हूँ मैं, और उसके बाद एग्जॉस्ट नोट सुना के वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। मीटर ऑन कर दिया, ये देख सकते हो उसके जो हेडलैम्प्स है, इसका जो हेडलैम्प सेटअप आप देख सकते हो। जैसे आपको हाई बीम लो बीम करके दिखाया था, ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम पास, ठीक है। ये हो गया इंडिकेटर्स, मैंने दिखा दिया था, अभी V4 का दिखाया था हूँ, DRLs, ठीक है। ये हो गया इसका जो हेडलैम्प सेटअप है वो देख सकते हो, हाई बीम लो बीम करके दिखाया था मैं, हाई बीम लो बीम और ये पास, ठीक है। अभी इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो आपको मैं सुना देता हूँ, अभी आपको MT15 का जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी आपको सुना देता हूँ, उसके बाद वीडियो एंड कर देते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो दोनों बाइक्स में जो एग्जॉस्ट नोट है वो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, देख सकते हो दोनों में आपका जो हैलोजन लाइट्स है वो जल रहा है, पूरा हेडलैम्प सेट है वो जल रहा है। तो दोनों बाइक्स का जो एग्जॉस्ट नोट है वो आप अगर आँख बंद कर भी सुनते हो तो आपको पता नहीं चला है कौन सा बाइक जा रहा है फिर नहीं जा रहा है। अगर दोनों का एग्जॉस्ट नोट है वो एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको सिटी राइड्स के लिए जाना है, आप बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, अगर आपको सिटी राइड्स करना है या फिर संडे राइड्स करना है या फिर डेली आपको कम्यूट करना है तो MT15 आपके लिए बेस्ट है, आपको ये बाइक लेनी चाहिए। अगर आपको बाइक को भगाना है या फिर ट्रैक करना है या फिर आपको पावर चाहिए, एग्रेसिव पोजीशन चाहिए, तो आपको R15 version 4 लेना चाहिए। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मुझे R15 version 4 ज़्यादा पसंद है MT15 से, ये भी अच्छी है ये भी अच्छी, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और शोरूम का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। अगर इंस्टा फॉलो नहीं किया तो इंस्टा ID शायद शो हो रहा होगा, अब तक बहुत बार शो हो चुका होगा। तो चलो वीडियो का भी एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।